जा रहा है ना, ये जा रहा है माने की तरफ। 6 किलोमीटर है यहाँ से लेफ्ट माने, और इधर सीधा है काजा। हम जाएंगे काजा, और ऐसे ही काजा से भी जो ऊपर ऊपर को गांव है और हाइट पे जाके, जैसे आपका केबर हो गया और आपका हिकिम और कॉमिक, ये हाईएस्ट विलेजेस हैं और बहुत ही अलग दिखते हैं। तो मेरे को वहाँ पे भी जाना है। वहाँ पे ऑक्सीजन तो बिल्कुल ख़त्म होती है, मेरे को कहा गया है कि वहाँ पे रुकना नहीं, वहाँ से नीचे आ जाना अगर ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है तो आपको। पर जाऊँगा तो ज़रूर, और आज का मौसम बहुत सही है। जब मौसम ख़राब होता है ना तो दिक्कत होती है बहुत। और जब मैं यहाँ पे आया था, नाको का टेम्परेचर लिखा हुआ है गूगल पे, अभी डालो नाको टेम्परेचर, उसमें आ जाएगा दिन में 4-5 डिग्री और रात में -3 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर। तो यार अच्छे खासे की हालत ख़राब हो जाती है। और गाइस कहीं ना कहीं तो हम पहुंच रहे हैं, देखो बो बाई गॉड यार क्या नज़ारा आ गया है। मेरे सामने कैंपिंग लोकेशन है, अच्छी खासी लोकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त यार। मन कर रहा है बाइक नीचे उतार दूं, लेकिन ये सब कीचड़ वो है, दलदल, ये रिवर बेड है ये सारा। जस्ट हैव अ लुक, एक बार लुक दे देते हैं फिर आगे चलेंगे ध्यान से। ये देखो ये नीचे रिवर जा रही है, ये भी रिवर बैंक है ये सारा। अभी कम है पानी तो उधर है, नहीं तो सारा पानी ये ऊपर तक इधर तक होता है। और बीच में जो पहाड़ है ना वो अलग तरीके के चमक रहे हैं गोल्डन कलर में, उसके पीछे अलग है। और ये गोल्डन कलर के जो पहाड़ हैं इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ राज होगा। जो यहाँ के घर है ना उनका भी कलर मैंने ऐसे ही देखा है, हो सकता है ये मिट्टी उन पर लगाते हों। आज जो मैं टाबो मोनेस्ट्री गया दिन में दोबारा से, तो वहाँ पे जो मंदिर है वो बहुत अमेजिंग है गाइस। 1026 साल पुराना मोनेस्ट्री है वो, और उसमें 1000 बुद्धा की पिक्चर पेंटिंग्स हैं, 1026 साल पुरानी। और उसके अलावा अंदर बहुत सारे गॉड्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, और वॉल पेंटिंग के अलावा गॉड्स की फ़ोटोज़ हैं, जो कि दीवार पे फ़ोटोज़ नहीं है, स्टैचू हैं जो दीवार पे लगाई हुई हैं। और अंदर बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा। उन पर जो कपड़े पहनाए गए हैं ना गॉड्स पे, इवन वो भी 30-30 साल पुराने हैं कम से कम, और उनको बहुत अच्छे से मेनटेन किया हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, टॉर्च दे देते हैं, और टॉर्च से हम लोग अंदर उनको देख सकते हैं, दीवारों पे देख सकते हैं। अंधेरा होता है ना गाइस अंदर, बहुत अंधेरा होता है, और इतनी शांति होती है। मैंने मेडिटेशन भी किया अंदर बैठ के। अंदर फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो वो हम नहीं दिखा सकते, उसके लिए आपको यहाँ पे खुद आना पड़ेगा।